Okay, so welcome friend, welcome to your channel Efficient Corporates. So we are into this file tools का series जहाँ पे हम file से regarding काफी सारे operations को देख रहे हैं like combining and merging and splitting all those things. And as we discussed in last video as well कि ना हम online क्यों नहीं कर रहे ये सब चीजें ना online हम इसलिए नहीं कर रहे because again वही confidentiality वाला issue and because the cookies are stored and the next is your bandwidth. If you have like 1,000 to 2,000 files to do, that is why we are not going online and we are not using these tools. So instead, we are learning how to write 2 or 3 lines of Python code and we can do it. So, हमने combined PDF का पिछली बार देखा था. Let me close this one file. Okay. अब हम देखते हैं split करना PDF. ठीक है? अब देखो, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, all these things are nothing is hidden. Everything is the codes you will get over here, this link, GitHub link, and sorry, okay, I'll close this. So and दूसरा जो आपका ये tools है, तो पूरे tools के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा documentation you will get that how what these tools do and how these works, पूरा code के साथ ही code कैसे है. अब ऐसे हमने combining PDF देखा था पिछले बार, go and see this video if you have not seen. Combining PDF में हमने देखा था variant one था. Combining PDF one after another. Next variant was combining PDF odd even pages. उसको कैसे करना है? ठीक है? दोनों का हमने लिखा हुआ कैसे होगा? Now we will read the splitting of PDF. ठीक है? Splitting PDF के अंदर बहुत सारे मोड हैं. काफी मजा आने वाला है. So let's start. यहाँ पे हम आ गए. Jupyter Notebook कैसे install करना है? वो सब चीजें अगर आपको basic पता करना है, तो आप please visit the channel and आप यहीं पे देख सकते हो playlist के अंदर या internet issue. Okay, on video and on playlist, you can see the basics and you can create your basics from here. Okay, I know all the basics are here. So let's start quickly. अब हम यहाँ पे सीधा सीधा FTU हमने डाउनलोड कर रखा है. ठीक है, ये फ्रॉम फाइल टूल्स ये करना है. फिर थोड़ा बता कर देता हूँ, है ना? तो ये हमें करना है फ्रॉम फाइल टूल्स इम्पोर्ट. आपके पास ये नहीं है तो आप ये 1.2.0 का वर्जन इंस्टॉल कर लो, व्हिच एवर द लेटेस्ट वर्जन एट द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. Now FTU dot और tab, इसमें आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शन में यहाँ पे एक स्प्लिट पीडीएफ आता है. स्प्लिट पीडीएफ क्या चाहिए? इसको फाइल पाथ चाहिए. ये फाइल पाथ मतलब वो एक पीडीएफ जिसको आप टुकड़ों में बांटना चाहते हो, वो पीडीएफ है ये डॉट कंबाइन कहते हैं डॉट पीडीएफ. ये वो एक पीडीएफ है. दूसरा क्या है? टाइप कल टू पेज वाइज. अब टाइप आपको कैसा डालना है? तो अभी मैं पेज वाइज ही रखता हूँ कि हाँ भाई मेरे को पेज वाइज स्प्लिट करना है. पेज वाइज का मीनिंग क्या है? पेज अंडरस्कोर वाइज. अब देखो ये एग्जैक्टली कैसे लिखना है ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, पेज वाइज है. ठीक है, सेट कल टू वन, आप लिखो ना लिखो एक ही बात है. ठीक है, अब हम पहले पीडीएफ फाइल को देख सकते भाई. पीडीएफ फाइल के अंदर इसको एंटर किया, इसके अंदर कुछ नहीं है. आप अगर देखोगे पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर करके सारे पेज 25 तक है. अब मैंने कमांड दिया है कि इसको पेज वाइज स्प्लिट करो, तो क्या होगा? 25 पीडीएफ फाइल बनेंगे एक एक पेज का अलग अलग. कंट्रोल इंटर किया, कोड किसने डेवलप किया उसका नाम आ जाता है एंड यहाँ आपका कुछ वार्निंग, बट ठीक है आपका ये हो गया काम. ठीक है, आप इधर आओ, जस्ट वन लाइन ऑफ कोड आप लिखाओ. अब देखो मेरे पास इतने सारे, एक कंबाइंड पीडीएफ एक था अन्य पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर करके 25 पीडीएफ फाइल बन गए. ठीक है, मैं इन सबको ऊपर हटा देता हूँ. अब पेज वाइज तो हो गया. दूसरा एक बार ट्राई करते हैं, दूसरा और क्या क्या आपके पास? दूसरा मेरे पास है क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव से क्या होता है इसको भी देख लेते हैं. तो सेम कोड रहेगा, कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोड आपका यही रहेगा. कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ. टाइप की जगह वो पेज वाइज की जगह वो बन जाएगा क्या, क्यूमुलेटिव. मैंने कंट्रोल सी किया, हाँ मैंने कंट्रोल भी किया. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ आपको बताता हूँ. आपका पेज नंबर वन पहला होगा, पेज वन से टू दूसरा होगा, मतलब पहला पीडीएफ फाइल एक पेज का, दूसरा पीडीएफ फाइल दो पेज का, तीसरा पीडीएफ फाइल तीन पेज का. अगर आपको उस तरीके से स्प्लिट करना, नाउ आई डोंट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, कोई ऐसा क्यों ही करेगा, पर बाय चांस किसी को ऐसा करना पड़े, देन इट्स वेरी हैंडी टूल. तब देखो पहला पीडीएफ फाइल मेरा एक पेज का बना,
अगर मैं ये देखूँ तो 1 से 11 पेज का, तो इसमें से 11 पेज होंगे शुरू से लेके 11 पेज का, या तो एक कुमुलेटिव वेबसाइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट पूरा फाइल जो बना होगा वो आपके पूरे 25 के 25 पेज का होगा। लास्ट तो देखो 1 to 25 था, तो आपका पूरा 25 पेज होगा इसमें। तो ये कुमुलेटिव बेसिस पे इसने स्प्लिट किया, अगेन हाउ मेनी फाइल्स इट मेड, 25 फाइल्स। द फर्स्ट फाइल हैड 1 पेज, सेकंड फाइल हैड 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज अ कुमुलेटिव स्प्लिट, बेसिकली अ टाइप ऑफ स्प्लिट, अलग अलग तरीके के स्प्लिट होते हैं। That way, this is one type of a split. So I'll just again, मैं इन सब फाइल को हटा देता हूँ। Okay, so now I have again. Let's see the third type of split which we have, odd even split. So I think this is a bit practical, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको odd pages को एक जगह और even pages को दूसरी फाइल में चाहिए। तो आपको exactly यही लिखना पड़ेगा, odd even. There are no spaces, तो आप भी स्पेस मत दीजिएगा। This. और आपने किया? The files have been saved. Now you go to this. दो पेज मिल गए, इवन पेजेस ऑड पेजेस। तो लेट्स ओपन द ऑड पेजेस। तो क्या क्या होगा इसमें, पेज 1, पेज 3, ऑल दिस ऑड पेजेस, पेज 1, पेज 3, पेज 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19. तो ऑड पेजेस इधर आ गए एंड इवन पेज आपको विदाउट डाउट ऑल हैव कम ओवर हियर, ठीक है ना, पेज 2, 4, 6, 8, 10. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइप ऑफ स्प्लिट आई वुड से, एंड प्रैक्टिकल भी है, काम आ भी सकता है। एंड नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव, रेंजेस। रेंजेस का मतलब क्या होता है कि मेरे को 5 सेट, मतलब मेरे को 1 से 5 का एक रेंज करना है। सपोज मेरे पास 25 वाले है ना, तो मेरे को 1 से 3, मेरे को 3-3 के रेंज में स्प्लिट करना है इसको। सपोज किसी का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसको पीडीएफ फाइल स्प्लिट करना है 3-3 का रेंज में, तो मैंने यहाँ पे रेंजेस दे दिए, ठीक है। अब रेंजेस देने पे आपको एक और पैरामीटर देना पड़ेगा, वो पूछेगा ना कितना का रेंज में, 2-2 का रेंज में, 4-4 का रेंज में, 6-6 का रेंज में। तो मैंने बोल दिया आपको 3-3 के रेंज में करना, सेट इक्वल टू 3 देना पड़ेगा। दिस इज वन एडिशनल पैरामीटर विच वी हैव टू गिव इफ वी आर यूजिंग द रेंजेस वाला पैरामीटर, ओके। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन में है वैसे, नथिंग इशू। आप देखोगे तो सेट इक्वल टू 5 दिया, तो 5 दिया मैंने, 3 दिया क्योंकि 3-3 का रेंज में थी। सो द मैथमेटिकल, मैथमेटिकली कितने फाइल्स बनेंगे, वी हैव 25 फाइल्स, मैंने 3-3 के रेंज में बोला है। तो 8 × 3, 8 × 3, 24 + 1, 9 फाइल्स शुड बी मेड। लेट्स सी, तो आप देखो सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, 9 फाइल्स आप मेड। एंड 9 फाइल्स में आप वही देखोगे सबको, पहला सेट में क्या होगा, सेट 1 में 1 से लेकर 3 तक होगा, 1, 2, 3, ठीक है। अब चौथा सेट में क्या, सॉरी चौथा सेट में आपका 3, 3, 9 इधर चलेगा, 10, 11, 12 चौथा सेट में होगा, 10, 11, 12, ओके। सो ये आपका सेट वाइज स्प्लिट हुआ है। तो मेनी टाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड कि आपको आपके पास 1500 पेज का पीडीएफ फाइल है, आपको 5-5 पेज में स्प्लिट करना है। इन दैट वे दिस इज अ वेरी गुड टूल, ओके। एंड वन लास्ट टाइप ऑफ स्प्लिट इज अगेन लेफ्ट, वो आपका है स्प्लिट इक्वल, ओके। सो दिस इज अगेन आपको जितने भी बड़े पीडीएफ फाइल, आपको नहीं पता कितना बड़ा पीडीएफ फाइल है, पर जितना बड़ा पीडीएफ फाइल है उसको हाफ कर सकते, 2 सेट, एंड सबको आपको 3 सेट करना है। लेट्स सी 3 सेट कैसे होगा। तो मैंने कोड में आया, मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट करते, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्प्लिट इक्वल, स्प्लिट इक्वल को आपको एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है तो हम भी स्पेस देंगे। स्प्लिट इक्वल सेट 3, मैं सेट इसलिए रखा ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए रेंजेज और स्प्लिट इक्वल। इसमें आप देखोगे तो 3 फाइल बना, बिकॉज मैंने बोला था 3 फाइल बना दे, तो 3 फाइल बना इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे 3 फाइल कौन कौन से बने, आप देखोगे थोड़ा सा वो मर्ज हो गया बेसिकली, मैं पहले पुराने फाइल से डिलीट कर देता हूँ सारे, आई एम डिलीटिंग ऑल दिस फाइल्स एंड लेट्स रन दैट कोड अगेन ऑफ दिस सो दैट आई कैन नो व्हिच कोड। अब काम भी इतना जल्दी करता है कि पता ही चलता है ये काम हो भी गया, ओके। सो सेट 1 में आप देखोगे तो आई थिंक इट शुड हैव 8 फाइल्स, बिकॉज़ देयर आर 8 फाइल्स, तो 8 × 3, 24, आई थिंक दैट्स व्हाई, तो वेयर द 25 9 से लेके 16 तक यहाँ पे रहे, 16 तक है, ओके। एंड 3 में आपका पेज 17 से लेके 24 तक, तो बेसिकली हमने 3 फाइल हुआ, तो इसने 3 फाइल कर दिया इक्वली, एंड जो 25th फाइल था उसको इसने इग्नोर किया, ओके। तो दैट इज हाउ द कोड वर्क्स, इट माइट बी यूजफुल फॉर समवन, मे बी, आई एम नॉट श्योर,
But yeah, so this is your types of split that you can do using this tool. And there is no upload, no download, no confidentiality issue, no internet bandwidth required, or everything happens on your local machine and it stays confidential. Okay, so I hope you learned something new, and do keep watching the videos, and see you again with such more exciting videos. Thanks. Stay tuned.